डियर स्टूडेंट्स, आज हम देख रहे हैं कि हर चीजें जो ऑनलाइन हो गए, टेक्निकल दौर है, तो जो ईमेल आईडी है वो हमारे लिए नेसेसरी हो गई। जैसे हम पहले देखते हैं कि पोस्टल एड्रेस हुआ करता था, उसके बाद टेलीफोन नंबर होता था, फिर मोबाइल नंबर आया, लेकिन ईमेल आईडी भी जो हमारे लिए बहुत जरूरी है। कई मरतबा हमें फॉर्म वगैरह अगर फिलअप करना होता है, ऑनलाइन फॉर्म या ऑफलाइन, तो अक्सर ईमेल आईडी की हमको जरूरत पड़ती है। तो आज हम देखेंगे कि ईमेल आईडी कैसे क्रिएट किया जाता है। ईमेल आईडी हमारा हर एक का पर्सनल इंडिविजुअल होना बहुत जरूरी है, बहुत काम आता है, और उसके कुछ जो है हमें प्रिकॉशंस भी लेने हैं, एहतियात करनी है। उसका जो पासवर्ड है हमें कहीं पर शेयर नहीं करना है। और हम देखते हैं कि ज़्यादातर जो है कंप्यूटर या लैपटॉप के मोबाइल के कंपेयर में जो है, तो हम मोबाइल का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं। सो टुडे वी लर्न हाउ टू क्रिएट ईमेल आईडी ऑन मोबाइल फोन। आज हम सीखेंगे कि मोबाइल फोन पर ईमेल आईडी कैसे क्रिएट किया जाता है। लेट्स स्टार्ट। देखिए, सबसे पहले आपको जो है जो जीमेल का ऐप है वो डाउनलोड करना है। उसके लिए जीमेल टाइप करना है, उसके बाद जीमेल ऐप जो आपको डाउनलोड करना है। डाउनलोड करने के बाद उस ऐप को ओपन करना है। ओपन करने के बाद इस तरीके से एक पेज ओपन होगा जहां पर आपको क्रिएट अकाउंट, क्योंकि आपको जीमेल जो क्रिएट करना है वो ओपन करना है। इसमें आपका फर्स्ट नेम और लास्ट नेम ये आपको एंटर करना है। तो आप आपका इनिशियल और आपका सरनेम यहाँ पर टाइप कर सकते हैं, इंसर्ट कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट करने के बाद आपको अपनी बर्थ डेट यहाँ पर देनी है। पहले डे आता है, फिर मंथ, और उसके बाद ईयर। इस तरीके से आपको अपनी बर्थ डेट यहाँ पर एंटर करनी है। उसके बाद नेक्स्ट कॉलम जो होता है, जिसमें हमें जेंडर सेलेक्ट करना होता है, मेल या फीमेल जेंडर सेलेक्ट करना है। नेक्स्ट पर क्लिक करना है। अब यहाँ हमें एक पर्टिकुलर ईमेल आईडी हमको क्रिएट करना है, हमारा यूज़र नेम जो गूगल अकाउंट के लिए रहेगा, जो हमारा ईमेल आईडी रहेगा। तो इस तरीके से अपने नाम के साथ कोई ईमेल आईडी क्रिएट करना। देखिए, अब यहाँ पर दे रहा है दैट यूज़र नेम इज़ टेकन ट्राई अनदर। तो ये जो यूज़र नेम हमने डाला, ये ऑलरेडी यहाँ पर लिया हुआ है। नीचे दो ऑप्शन दिए हुए, दोनों में से कोई भी एक हम सिलेक्ट कर सकते हैं। इस तरीके से एक यूज़र नेम यहाँ पर हमको मिलेगा। वो सिलेक्ट करने के बाद, नेक्स्ट से जाने के बाद, यहाँ पर हमको पासवर्ड इंटर करना है। देखिए, यहाँ पर जो मैं पासवर्ड इंटर कर रहा हूँ, ये सीक्रेट होता है। आपको अभी आपको समझाने के लिए मैंने इंटर किया है, बाद में मैंने इस पासवर्ड को चेंज कर दिया है। तो आप भी पासवर्ड जो अपना सीक्रेट रखिए, वो किसी से शेयर नहीं करना है। पासवर्ड डालने के बाद जब नेक्स्ट से जाएंगे, तो यहाँ पर आपका फ़ोन नंबर जो है वो आपको इंटर करना होगा, जिस पर के एक OTP आएगा। तो वो फ़ोन नंबर आपको यहाँ पर इंटर करना है, जो आपका रेगुलर फ़ोन नंबर है। और उसके बाद आप देखेंगे कि यहाँ पर यस आई एम, इस पर एग्री कर जो क्लिक करना है। उसके बाद देखिए, इस तरीके से कोई एक OTP आएगा, जो OTP आपको ये नेक्स्ट कॉलम में जो इंटर करना है, आए हुए SMS के OTP को। उसके बाद यहाँ पर रिव्यू योर करंट इन्फॉर्मेशन यहाँ पर दे रहा है, आपका जो ईमेल आईडी बना हुआ है वो, और नीचे पासवर्ड। वहाँ जाने के बाद आपको कुछ रूल्स एंड कंडीशंस रहते हैं, जिसको आपको एग्री करना है। एग्री करने के बाद जैसे ही आप आगे क्लिक करेंगे, देखिए इस तरीके से यहाँ पर आपका जो ईमेल अकाउंट है, ऑल डन लिख कर आएगा। यानी आपका जो ईमेल अकाउंट, या जिसे आप कहेंगे गूगल अकाउंट जो है, वो क्रिएट हो चुका है। अब इस तरीके से आप जो है अपना ईमेल क्रिएट करने के बाद ईमेल कंपोज कर सकते हैं। सो डियर स्टूडेंट, इन दिस वे वी कैन क्रिएट अवर ईमेल आईडी। नाउ इन नेक्स्ट सेशन वी विल लर्न हाउ टू शेयर द मेल। हम मेल कैसे शेयर कर सकते हैं वो हम सीखेंगे। टिल देन, गुड बाय।